जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज चंडीगढ़ के सेक्टर 36 स्थित इस्कॉन मंदिर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, काफी भक्त सुबह से ही उत्साह काफी बढ़ा हुआ है इस मंदिर से, और कितने भक्त आने की उम्मीद है? लगभग 3-3.5 लाख लोगों का आज उम्मीद है कि दर्शन करने के लिए आएंगे सुबह से रात तक। और ये सारी व्यवस्था जो है बड़ी भक्तों को स्मूथली दर्शन हो सके उस हिसाब से की गई है। और ये कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव इस बार जो है 5291 जो है भगवान का जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावृत संघ के जो 800 केंद्र हैं उनमें ये जो जन्माष्टमी महामहोत्सव है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और साल भर जो है भक्त इस उत्सव के इंतजार करते हैं, क्योंकि एक उत्सव है जिसमें भक्त लोग जो हैं भगवान कृष्ण के दिव्य जो उपदेश है, भगवद गीता है या और उनके जो उपदेश हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए और अपने जो जीवन है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म चा मेव दिव्यम। भगवान का जन्म और उनके लीलाएँ ट्रांसेंडेंटल मतलब तीनों गुणों से परे हैं, और जो व्यक्ति इन भगवान के इन दिव्य गुणों को भगवान के उनके जन्म अपेयरेंस की लीला को समझ लेता है वो पुनः इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। और इस संसार के जो कष्ट हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें पुनः जीव को नहीं आना पड़ता। ये विशेष अवसर है जो हमें ये हमें मौका देता है कि हम भक्तों के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं को भगवान के उपदेश को समझें और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन चंडीगढ़ में सभी भक्तों का आपके चैनल के माध्यम से हम स्वागत करते हैं, और जितने भी देख रहे हैं उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि दिव्य जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अपने जीवन में अपनाइए। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जब भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ हम ये सभी जो है देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए भगवान श्री श्री राधा माधव से, श्री सीताराम लक्ष्मण जी से एवं श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन मंगलमय हो और उनका जीवन सदैव जो है भक्ति से भरा हुआ हो। हरे कृष्ण। जैसे देश भर में भक्तों की उमड़ी हुई है भीड़, इस्कॉन मंदिर में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कितने और भक्तों की आने की उम्मीद हो रहा है? मैं जैसे कि शुरू में बताया, लगभग सारे दिन में 3.5 लाख लोग जो हैं आज चंडीगढ़ में दर्शन करेंगे। कहीं भी जाएंगे, हमारे दिल्ली में है, कुरुक्षेत्र में है, लुधियाना में है, मतलब भारत के हर बड़े शहर में लगभग मंदिर हैं हमारे, लगभग 100 से अधिक केंद्र है भारत में ही है। तो वहाँ पे इसी प्रकार उत्साह है लोगों का, जहाँ लाखों की संख्या में पहुँच करके लोग भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और भगवान के दिव्य जो मंत्र जो चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको श्रवण करके गा करके और नृत्य करके अपना जीवन आनंद में मनाते हैं। इस्कॉन मंदिर की तरफ से काफी तैयारियां करी गई है, जैसे हमने बाहर भी देखा है पूरी व्यवस्था की गई है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है और काफी ठीक ढंग से व्यवस्था चल रही है। जी, प्रयास किया जाता है, हमारे लगभग 1000 वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स और साथ में जो है ट्रैफिक पुलिस सिक्योरिटी पुलिस उन सब के सहयोग से सब व्यवस्था को सुचारू रूप से, जिससे कि भक्त लोग जो हैं प्रेम पूर्वक दर्शन करते हुए और अपने जीवन आज का जो महोत्सव है इसको बड़े से मना सके। अभी तो काफ़ी भक्तों की अभी काफ़ी इस समय दिन का समय काफ़ी भीड़ है, लेकिन रात के समय 12 बजे ज़्यादा भीड़ आने की उम्मीद है? जी जी, ये अभी भी सुबह से 4:30 बजे से यहाँ देखते हैं कि पूरा ये हॉल भरा हुआ था और फिर नगर कीर्तन हुआ और उसके बाद श्रृंगार दर्शन हुए, तो सारा दिन जो है भक्तों का ये दर्शन चलते रहेंगे। और रात को ये अंदर और बाहर पंडाल में भी अभिषेक महाभिषेक का कार्यक्रम होता है, 7:30 बजे महाभिषेक होगा, फिर महाआरती होगी, भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे, तो उसमें सभी भक्त जो है पंडाल भरे होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये थे इस्कॉन मंदिर के पंडित जी, जिन्होंने बताया भी 3.5 लाख के करीब जो भक्त हैं यहाँ पर आने की उम्मीद है, श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अभी सुबह 4:30 बजे से ही भक्तों ने यहाँ पर माथा टेकना शुरू कर दिया है, जन्माष्टमी का पावन अवसर है। और जैसे पंडित जी ने बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हुए इस्कॉन मंदिर के दर्शन जरूर करें। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, हर कोई मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पर माथा टेकने जा रहे हैं। और हम खड़े हैं इस टाइम चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं
भारी भक्तों की उमड़ी हुई भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ के पंडित ने बताया कि सुबह 4:30 बजे से ही लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया था और यहाँ इस मंदिर में 3.5 लाख के करीब भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस्कॉन मंदिर की तरफ से करीब 1000 वॉलंटियर तैयार किए गए हैं जिन्होंने इस पूरा तैयारियां की गई जिनकी तरफ से। और आपको बता दें भी लगातार यहां पर लोग माथा टेकने आ रहे हैं और आपको बताते हैं कि लगातार यहां पर जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोग लड्डू गोपाल के मत्था टेकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यह सुबह 4:30 बजे से ही ऐसा यहाँ मंदिर में लोग आने जाने भक्त जो हैं यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मत्था टेकने के लिए पहुँच रहे हैं। और जैसे कि इस्कॉन मंदिर के पंडित जी ने बताया भी 3.5 लाख के करीब भक्तों के आने की उम्मीद है। और अगर आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, तो इस्कॉन मंदिर में जरूर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए दर्शन जरूर करें। हरे कृष्णा, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी का परिवार सुपर हो। बस हरे कृष्णा, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, इस्कॉन आइए और चैन करके जाइए। हरे कृष्णा, सभी को जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। सब यहाँ पे कृष्ण मंदिर आए हैं तो बहुत खुशी मिल रही है मेरे को, क्योंकि हम कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और मेरे घर में जो मेरी मम्मी है वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं कृष्ण भगवान को, और हमने सुबह बहुत जल्दी उठ के हमने बहुत ज़्यादा आरती करी और बहुत खुशी मिल रही है अभी मेरे को आज के दिन। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर में किस तरह भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। वो सुनाएं थोड़ा भक्त। हम तो देखो जी कृष्ण भक्त हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन सुनाते हैं और गाते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे दर्शकों को भी सुनाएं थोड़ा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। ओ मेरा जो भी कदम उठे तेरी राह चले दाता, मेरा जो भी कदम उठे तेरी राह चले दाता। ओ हर सांस मेरी जो चले तेरा नाम जपे दाता, हर सांस मेरी जो चले तेरा नाम जपे दाता। हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बोल बांकी बिहारी लाल की जय। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो प्रभु ने हमें भारतवर्ष में जन्म दिया, भारत की भूमि पे रहने का मौका दिया और हम यहाँ सारे धर्मों को सेलिब्रेट करते हैं। शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि को जन्माष्टमी आती है, रक्षाबंधन, दीपावली, जो भी त्यौहार आता है हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्राना कि अगर हमें अगला जन्म भी मिले तो हम अपनी भारत भूमि पे ही आना चाहेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये इस्कॉन मंदिर में हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरह भारी उत्साह देखने को मिला है यहाँ पर और किस तरह हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम से यहाँ पर नारे लग रहे हैं। हरे कृष्णा। और आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, नो डाउट कृष्ण जन्माष्टमी है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं और अंदर कीर्तन वगैरह हो रहा है, तो मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और ये हिमाचल से आई हुई हैं। तो हरे कृष्णा टू ऑल एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान करे आप सबके घर में खुशियाँ आए। थैंक यू सो मच। आप हिमाचल से आए? हाँ जी। स्पेशल आए माथा टेकने? हाँ जी हाँ जी, हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एक्चुअली। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शांति। तो बांके बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे राम। तो मैं हबोर से हूँ, मैं जन्म अष्टमी जन्म महोत्सव में आया हुआ हूँ यहाँ दर्शन करने। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार है, मैंने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल लगी हुई है। और हरे कृष्णा हरे राम।
हरे कृष्ण प्रभू जी सबको। मैं यहाँ पे आया हूँ जन्माष्टमी मनाने के लिए सेक्टर 36 इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है, मतलब जो भी है, और मैं कृष्ण जी की सेवा वगैरह भी अपने घर करता हूँ। तो हमें मैं आज आया ये, तो मतलब मुझे ये टाइप मिला कुछ ऐसी चीज़, और उसमें इन्होंने दी थी मुझे एक माला। इसमें बोला इन्होंने जैसे कि एक ये दी थी मुझे गाइस, ये इस चीज़ में ये दी थी मुझे। तो 108 ये जो सबसे टॉप में है ये कृष्णा जी हैं। तो यहाँ से जपना हमें यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे ऐसे जपना है। और साथ में मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार आपसे जितना भी हो सके इस मंदिर के आगे दर्शन करके देखना। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, मजा आया? हाँ जी। जय बिंद रेडियो। हरे कृष्णा बोलो दोबारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका? कोमल। लड्डू गोपाल को साथ लेके आए? हाँ जी। अच्छा, तो आज सुबह आए? हाँ जी, बस अभी थोड़ी देर पहले आए थे। रात को 12 बजे भी आएंगे? नहीं नहीं नहीं, बस तब घर पे मनाएंगे, तब घर पे डेकोर करेंगे, सब करेंगे, और फिर कब। हाँ जी। खुद तैयार किया? नहीं नहीं, खुद तैयार किया घर पे। कितना टाइम लगा? लग गया, काफी टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए। आज के स्पेशल जन्माष्टमी के लिए तैयार किया? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़। मंदिर में जहाँ लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है, वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 36 स्थित इस्कॉन मंदिर के बाहर काफ़ी जाम भी लग चुका है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हम भी आपसे गुहार लगाते हैं, भी अपनी जो कार है प्रॉपर पार्किंग में, अपना वाहन है प्रॉपर पार्किंग में पार्क करें ताकि आपका चालान ना कटा जा सके। आपको तस्वीर दिखाते हैं, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने अभी फिलहाल ही एक गाड़ी का चालान काटा है। उसकी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी थी और क्लंपिंग के जरिए उनका रॉन्ग पार्किंग का चालान काट दिया गया है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से बार बार लोगों को गुहार लगाई जा रही है, भी गाड़ी अपनी प्रॉपर पार्किंग में लगाई जाए ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि गाड़ी अगर बीच में लगती है तो अचानक यहाँ पर एकदम ही काफ़ी जाम लग जाता है, जिस करके आने जाने वाले और भी जो माथा टेकने के लिए भक्त आ रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और आवाजाही को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर, किस तरह ट्रैफिक पुलिस ने ये बीच में खड़ी थी गाड़ी और इसको क्लंपिंग के जरिए इसका रॉन्ग पार्किंग का चालान काटा गया है। दैनिक सवेरा भी आपसे अपील करता है कि अपनी गाड़ी है, जो अपना वाहन है, अपना बाइक है, प्रॉपर पार्किंग में लगाएं ताकि आप चालान से बच सकें और किसी प्रकार की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।